आपको बनाना सिखाएंगे कड़ी। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आपको तड़के के लिए जरूरत पड़ेगी मस्टर्ड सीड्स यानी राई, जीरा और कड़ी पत्ता, धनिया पत्ते को सिखाने से लिए कटे हुए प्याज, कटे हुए टमाटर, कटे हुए मिर्च चिली और कैसे उन्होंने लिए हमने चाहे तो आप मूंगफली भी दे सकते हैं सिंगदाना जिसे बोलते हैं और थोड़ा तड़का लगाने के लिए तेल जिसको मैंने मास्टर सीड प्रयोग कर रहा हूँ मास्टर आयल मतलब आपको सबसे पहले चाहिए और हमने लिया आटा हम घी बनाने के लिए चाहे तो हम घी से भी तड़का लगा सकते हैं जैसे आप पूछा वह मतलब घी से लगा सकते हैं तो हम कल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या सामान लगभग दो टेबल और इसे गर्म करने के बाद तड़का लगाएंगे हम इसमें तड़के लगाने के लिए डालेंगे मास्टर सीड और आधा टी स्पून जीरा और ये जो कैप्सूल है हमें डालेंगे फिर डालेंगे उसके बाद डालेंगे इसके बाद हम डालेंगे चॉप टमाटर और इसे थोड़ा सा भून लेंगे और ये भूनने के बाद डालेंगे एक कप आटा और इसे अच्छे से भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम में लो करेंगे अच्छे से तरह से भून के अब हम इसमें डालेंगे मसाले ये आधा टी स्पून धनिया पाउडर हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर हम इसे सर्व करेंगे इसे चाहे तो आप सुबह ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं बहुत ही अच्छा खाने में स्वाद लगता है अब हम टेस्ट के लिए इशारा करेंगे घी और बटर के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं लोग तो उन्होंने वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में उसको प्रेजेंटेशन दी है आप इसको दोनों चीज़ों में यूज कर सकते हैं फास्ट फूड को और भी और हेल्दी भी है और ये
लाजवाब है, जैसे हमारे मुझसे तैयार किया हुआ है, बहुत ही यूनिक चीज़ है ये, इसका अलग स्वाद आप बनाया जाता है और इसको इन्होंने जो है तेल में काफ़ी अच्छा भुना और फ्राई किया है, उसमें जो इन्होंने ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं काजू और किशमिश वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। इसका टेक्सचर ही मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हल्का सा भी नमी बरकरार है और इसका जो फ्लेवर और तेल जो महाराष्ट्र में जो लोग पसंद करते हैं थोड़ा ठंडा खाना और साथ में काफ़ी सारे धनिया पत्ती वो इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में, तो आपने आज अच्छा लगा।